अगली कसौटी में मैं हूँ आपकी उस डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, डमी म्यूजियम से आए ज़िया मोहियुद्दीन साहब और मेरी टीम फिर से चेंज्ड है, कुछ गायब है और आज एक शख्सियत पहली बार ना सिर्फ कैफे में कसौटी में बल्कि ओपन माइक कैफे में तशरीफ लाए हैं। रंगीला साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। आप पहले ही सो रहे हैं, आंखें खोलिए। आंखें हैं? नहीं नहीं मैं ठीक बैठा हूँ। देखो ना FSJ नहीं है सर, फिर से नहीं है और उनकी जगह पे रंगीला। तो सर आप आम आदमी समझ रहे हैं सर, ये आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे सर। मैं इसे बैड ओवर के तौर पे ले रहा हूँ। सर आपको FSJ साहब की कमी महसूस रही होगी इनके होते हुए। और सर मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि काफी अरसे बाद जी आज ज़िया साहब भी हमारे साथ। फिटे मुंह असद कैफी, मेरा क्यों खा गए? मैं आपसे सवाल करने वाला था। जी सवाल करने वाले थे। मुझे क्यों निकाला? नहीं आपको नहीं निकाला था, थोड़ी देर के लिए आप गए थे। ज़िया साहब आपने भी इंतजार किया उस दिन का जिस दिन FSJ नहीं आए। जाहिर है ये तो म्यूजिकल चेयर हो गया है, कभी FSJ होते हैं कभी नहीं होते। नहीं FSJ घरेलू मसरूफियत की बिना पर कराची हैं और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक, अगर हम ये संडे को करते शो जी तो ही वुड हैव बीन बैक जी, लेकिन संडे को मैं अवेलेबल नहीं था। नॉन अवेलेबिलिटी से मुझे याद आया, वेयर इज बब्बू राणा? सर वही जंज पकड़ने गया हुआ है बस। सर वो आपको पता है जिंदगी में आ जाती है। सुने रंगीला साहब ने एंटरटेन किया है बाहर लोगों को जी, करोके पे गाने करोके पे मैंने गाया गां मेरे मन, वो गाया जी सर। और सर गां मेरे मन दो तीन दफा गाया है। नहीं देखे मैंने वो भी गाया है, प्यार भरे दो शर्मीले नैन वो भी गाया जी। जो जो गाना मैं तुम्हें नहीं गाने देता खबरदार, में वो यहाँ आज इन्होंने मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो ये भी गाया जी। ये वो तब गाया जब ऑडियंस कोई भी नहीं थी। नहीं, जब ऑडियंस आई है फिर उन्होंने गा मेरे बनवा शुरू कर दिया। अच्छा ये गाना ना गाया करो चाहे कहीं कोई ऑडियंस पूरी कायनात में कोई बंदा ना हो, ये गाना ना गाया जी। वजह क्या है? नहीं ये गाते ये गा को गा कहता है, गा मेरे बनवा। सर मैं अभी गाता हूं जरा आप जरा देखिए। अगर मैंने सुनना हुआ तुमसे तो मैं सुनूंगा मैं जो शायर कभी होता। वाह 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 क्या बात है। सेहरा कहता मैं जो शायर कभी होता, बहुत अच्छे तेरा सेहरा कहता। वाह वाह चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। वाह वाह मैं जो शायर, क्या बात है, बहुत अच्छे क्या कहने, बहुत अच्छा गाया लेकिन इसका ऊपर का सुर बहुत नीचे था। नहीं मेहदी हसन खान हमेशा खरज में गाते थे, बहुत नीचे। क्या बात है रंगीला साहब, मुझे मुश्किल काम है ज़िया साहब, आपने तो मुख्तलिफ मुंह बना के टीवी पे परफॉर्म किया, मुझे एक गाना पड़ा। हाँ हाँ ऐसे लोग नहीं आने आफ्ताब दोबारा। आप जैसे तो रोज आ जाते हैं। ऐसी होता है सोच सोच के, तुम हंस रहे हो वो पता क्या कह रहा है। आप जैसे तो रोज आ जाते हैं, रोज आ जाते। अच्छा जी आज की कसौटी शुरू करते हैं। आज शख्सियत आप पूछेंगे सर, दोनों पूछेंगे लेकिन पहले हम पूछेंगे फिर हम ऑडियंस। अच्छा दो दो शख्सियत होगी अब हर शो में। सर सबका हक है। वेरी गुड। शख्सियत अच्छा जी मर्द जी, जिंदा नहीं, ताल्लुक एशिया से नहीं, यूरोप से नहीं, अच्छा ताल्लुक अमेरिका से जी, अमेरिका से तो गोया यूनाइटेड स्टेट्स से यस ताल्लुक। अब देखें FSJ होते तो आपस की हमारी जो है ना तो सरगोशी सर अमेरिका से। द बेस्ट पार्ट ऑफ कसौटी इज आइदर द सोलिलोक्वी दैट आइदर आई डू और FSJ और द विस्परिंग That takes place. अब मैं इनके कान में क्या विस्पर करूंगा? नहीं मैं करता हूं। नहीं आप ना करें। मुझे अमेरिका की शहरियत मिल रही थी मैंने नहीं ली। अच्छा जनाब कंसंट्रेट करने दें प्लीज। जी करें जी। शख्सियत जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक अमेरिका से है, मर्द है और इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं वही 71 से बाद 25 साल से ज्यादा हो चुका है जी। 25 साल का मतलब ये हुआ कि 96 से पीछे 71 से 96 के दरमियान 70 बिटवीन 71 एंड 96। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से नहीं, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से नहीं है, ताल्लुक चौबीस से है नहीं नहीं जी नहीं। वाज़ ही
An African American? No. अब ताल्लुक ही जो है वो डिटरमिन नहीं हो पा रहा, यानी जो पीरियड आपने बताया है 71 से ऑनवर्ड्स, ताल्लुक बिग बिजनेस से है? जी बिग बिजनेस। अब इसमें उस दौर का, ये 96 और 71 71 के बीच की शख्सियत, ये फेमस अमेरिकन बिलियनर्स में से एक है? नो। ये किसी बहुत बड़ी फूड चेन के मालिक थे? ए गल ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। नाउ यू आर टॉकिंग, नाउ यू आर टॉकिंग। क्या तुम्हारा ज़हन भी जा रहा है वहीं जा मेरा जा रहा है? मेरा ज़हन केंटकी फ्राइड चिकन की तरफ मेरा जा रहा है, ज़ाकिर टिक्की की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स कह चुके हैं, इसलिए टिम हॉर्टन्स की तरफ तो ध्यान जाना नहीं चाहिए क्योंकि दैट इज कैनेडा। ठीक है, एंड डू यू नो टिम हॉर्टन्स, ही वाज अ प्लेयर, हॉकी प्लेयर। हाँ हाँ, नेशनल लेवल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, वाओ, ह्यूज आइस हॉकी का हसन सरदार था वो। वाह वाह, और उसने $14 बिलियन की बेची है उसकी फैमिली ने टिम हॉर्टन्स, और खरीदी है बर्गर किंग ने, अमेरिका आ चुकी है। अच्छा जनाब, KFC, मैकडॉनल्ड्स, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गाय, कर्नल समथिंग, बाबा जो है कदाफी। फ्राइड चिकन वजह शोहरत है इनकी? जी यस जी। हाँ यार, क्या आपने KFC के कर्नल साहब पूछे। वाह, सैंडर्स। भाई आवाज अगर आ रही है तो लगाओ। अरे ठेका, वाह भाई क्या कहने, इसके बारे में बताइए जरा, बड़ी मेहनत की थी इस शख्स ने, बड़ी मेहनत भी हुआ था सब, बल्कि इनका जो मेरा ख्याल है कि जो कुकिंग एक्सपीरियंस परफेक्ट इसलिए हुआ, ही वाज जस्ट 5 years old जब इनके फादर की डेथ हुई थी, एंड हिज मदर वाज अ वर्किंग वुमन। तो ये इनके दो छोटे बहन भाई थे जिनको ये घर घर में खाना बना के खिलाया करते थे। उसके बाद वही मल्टीपल ऑड जॉब्स की, तो उसके बाद जब डिप्रेशन पीरियड आया इन अमेरिका, तो फिर इन्होंने रोड साइड अपना फूड देना शुरू किया। वहाँ पर इनकी सीक्रेट रेसिपी जो थी वो बहुत बिकनी शुरू हुई, तो फिर इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज बनाई पूरे USA में दी, और उसके बाद फिर उसको देने के बाद फिर ये खुद उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे ऑन अ पे रोल। और बहुत ही शानदार रेसिपी, क्या बात है, इस कदर क्रिस्पी चिकन और इस कदर जूसी चिकन शायद ही कोई। लेकिन अब वो जैसे डिटेरियोरेट होता गया ना सारा सिलसिला, अब वो बात नहीं है। उनकी अपनी लाइफ स्पैन में भी ये हो गया था कि वो लोग कहने लग गए थे कि जी क्वालिटी गिर गई है। उसकी वजह ये कि एक तो वो एक इनकी मोनोपोली खत्म होगी जी, लोगों ने चिकन को उसी तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, और ये कॉटेज इंडस्ट्री बन गई अमेरिका में। अब भी आपने केंटकी फ्राइड चिकन बेस्ट खानी हो तो छोटी छोटी शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स, जैसे यहाँ पे आप एक ह्यूज बेकरी उसका कोई नाम ले दें, और उसके मुकाबले में एक छोटा सा ढाबा नुमा बेकरी, उसका केक या उसके केक रस्क या उसके बिस्किट्स वो ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं क्वालिटी वाइज। जैसे कबाब्स हैं, भैया के कबाब जी, अब भैया इज नो शॉप बट अ ग्रेट नेम, अ ब्रांड। तो इसलिए जो वहाँ के भैयाज है ना, छोटे छोटे ढाबों वाले, वो केंटकी फ्राइड चिकन उसी रेसिपी पे बहुत अच्छी बनाते हैं। फिर इन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया अपना बिजनेस, बर्गर्स में चले गए। तो अब हम चलते हैं हमारे कैफे पेट्रंस की तरफ। कोई कौन पूछेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन है। हुसैन, तो हुसैन साहब आप लाहौर से ताल्लुक रखते हैं? जी मैं लाहौर से। अच्छा, आप पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं? जी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन। अभी आप क्या पूछेंगे, शख्सियत? हाँ जी। ओके चलें फिर शुरू करते हैं। जी हुसैन साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शख्सियत जिंदा है भाई? नहीं, वफात पा चुके हैं। अच्छा जी, ऑब्वियसली अगर जिंदा नहीं है
तो जाहिर है मेरे भाई, ये भी हो सकता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि लापता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी डेड बॉडी का पता ही नहीं चलता, और उनके बारे में आप कह नहीं सकते कि वो जिंदा है। मसलन हिटलर, हिज बॉडी वाज नेवर फाउंड। अलेक्जेंडर, हिज बॉडी वाज नेवर फाउंड। वो तीन कॉफिन्स थे, उन्हें गायब कर दिया गया था। ये भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। क्लियोपेट्रा, चंगेज खान, तमोजन, उसको बैरी करने वाले तीन बंदों को मार दिया गया था। अच्छा जी, अब आ जाइए। हाँ जी, आ जाए जी, आ जाए बिल्कुल जी। हुसैन साहब, मर्द? हाँ जी, मर्द है जो जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से? हाँ जी। तो गोया साउथ एशिया से? नहीं। अच्छा जी, अब रीजन्स में आइए। तो ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है? हाँ जी, मिडिल ईस्ट से। अच्छा जनाब, ताल्लुक अगर मिडिल ईस्ट से है तो इज ही अ मुस्लिम? यस। ये बताइए कि इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? हाँ जी, 50 साल से ज्यादा हो चुका है। 100 साल से ज्यादा हो चुका है? हाँ जी। 500 साल से ज्यादा हो चुका है? यस। 1000 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। वो दौर बनू अब्बास का था? हाँ जी जी, बनू अब्बास का दौर था। और ये खुलफा हारून अर रशीद, मामून अर रशीद, जो एबसाइड्स के दौर की आम शख्सियात थी, मुस्तासम बिल्ला जो आखिरी हुक्मरान था, जिसको ताख्त व ताराज किया अलाकु खान ने। फिर इस दौर की एक और बहुत आम शख्सियत मिरवान, लेकिन वो शी इज़ अ वुमन। फिर याहिया बरमक्की, इसका वजीर, वजीर ख़ास था हारून रशीद का। फिर मंसूर, फिर इमाम अबू हनीफा, ये बहुत बड़ी शख्सियात जो हैं उस दौर की। और इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ, ये भी उसी दौर की शख्सियात हैं। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं नहीं, ताल्लुक अगर सियासत और हुकूमत से नहीं है, साइड्स का दौर था, तो फिर ये नहीं हो सकते। बगदाद की, इराक की शख्सियत नहीं हो सकती, दौर वो होगा। ताल्लुक आपने एशिया का कह रखा है ना, एशिया, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, एशिया एंड मिडिल। जी सर, जब एशिया का था तो मिडिल ईस्ट जी। और ये देख लें कि ईरान मिडिल ईस्ट नहीं है, लेकिन समझा जाता है। जी सर, ताल्लुक ईरान से है? हाँ जी। अब ईरान की शख्सियात लातादाद हैं, इल्म व फजल का गहवारा, सियासत और हुकूमत से हट के उस दौर की बहुत बड़ी शख्सियात में शायर, अदीब। ताल्लुक हुसैन साहब साइंस से? हाँ जी। रूल्स आउट द पोएट्स, द म्यूजिशियंस, द राइटर्स, इवन द थिंकर्स। उस जमाने में जाते ही सिर्फ सवाल साइंस का था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दौर वही था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुशी का आलम इसलिए ये है कि अगर ये कोई अदीब शायर होता ना तो मैं कड़मस में पड़ जाता, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा है। अच्छा जी, ताल्लुक मेडिसिन से है? नहीं, मेडिसिन से नहीं है, लेकिन साइंस से है, तो इट रूल्स आउट बोली सीना। वजह शोहरत साइंस, सिर्फ साइंस ही नहीं है? नो, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि साइंस से ताल्लुक है बट वजह शोहरत सिर्फ साइंस नहीं, मतलब कुछ और भी वजह शोहरत उनके। अच्छा, साइंस भी है और कुछ और भी है। फसल हो गया ना, तो 16 क्वेश्चन, हाउ मेनी, 16 सवाल। फलसफा, तिब, साइंस, रूमी, राजी, जाबिर बिन हयान, इब्ने हसम,
16 सवाल हो गए ने ये लाई थी जो है ना और तू तो 15 ही लेकर देता समझा हसनैन पागल हो अब ना मुझे उसकी एग्जैक्ट नेशनैलिटी का नहीं पता शख्सियत तो ये बड़े नॉन ये पर्सनालिटीज हैं लेकिन ईरानियन ये शायर अदीब नहीं है और फिलोसोफर अच्छा जी मैं ऐसे ही रैंडमली एक वो कर रहा हूँ ये बताइए कि अलामा इकबाल ने इनका तذکرہ अपनी शायरी में कर रखा हो जैसे कभी सोजो साज रूमी कभी पेचो ताब राजी नहीं नहीं यानी आर यू श्योर के आगे नहीं है हाँ लेकिन मैंने एक से दो दोनों रूल आउट हो गए और ही कर दिया 17 क्वेश्चन जियोग्राफी हेलो अब ये जो टाइमलाइन है ना इस पर फल्कियात की तरफ ध्यान जाता है जियोग्राफी एस्ट्रोनॉमी ये क्या हो रहा है सवाल कर सवाल भूल गए हो ये क्या हो रहा है अच्छा जी ये हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे हाँ जी दैट नैरोज डाउन एक्चुअली अच्छा जी और ये बताइए कि आज का जो पंजाब है उसके एक खित्ते में यानी पोठोहार में किसी मकाम पे बैठ के इन्होंने बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट की थी हाँ जी आपने अल बैरूनी पूछा वाह इसलिए कि मेडिसिन नहीं है हाँ तो जो साइंस के हवाले से यहाँ के बड़े नाम बाकी सारे बाहर के हैं क्या बात देखे ना या फिलोसोफर्स हैं थिंकर्स हैं राइटर्स हैं पोएट्स हैं फिर वो कह रहे बड़ा जालिम आदमी है सर क्या लेकिन इट वाज अ वेरी गुड पर्सनालिटी और इन्होंने आज जो जगह नंदना है नंदना का कला वो बड़ा मुहीब बड़ा पुरस्रार कला है चकवाल में उस मकाम पे बैठ के इन्होंने जमीन का कुतर दरियाफ्त किया था वाह और बहुत बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट थी जो आज भी साइंटिस्ट को वर्ता हैरत में गर्क किए हुए है इनका ताल्लुक समझा जाता है कि ईरान से है लेकिन ही वॉज नॉट बॉर्न इन ईरान उज्बेकिस्तान से इनका ताल्लुक है अल बैरूनी और ये आए थे महमूद गजनबी के साथ अच्छा देखा जाए तो ईरान जो है वो मिडल ईस्ट के साथ ऐसे ही बस ज़बरदस्ती उसका हिस्सा बना दिया जाता है क्योंकि एक पॉलिटिकल टर्म है लेकिन ये सेंट्रल एशिया क्यों एक हिस्सा उसका सेंट्रल एशिया में है दूसरा मिडल ईस्ट को टच होता है लेकिन वो कह दिया जाता है क्योंकि आज़रबाईजान सेंट्रल एशिया में है और उसका दूसरा हिस्सा वो ईरान में है ईरानियन आज़रबाईजान और सेंट्रल एशियन आज़रबाईजान बहरहाल अच्छा बातों बातों में भूल ही गए अरे बजाते हो कि नहीं लगाइए ठेका ये बताइए कि ये जो पीस जिस पे आप डांस करते हैं जी जी अगर आप बता दें तो 500 ये किसकी तकलीक है ये इनके लिए सिर्फ सवाल रुपीस या डॉलर्स ये बाद में फैसला होगा जी ये तकलीक है ये म्यूजिशियन की सिर्फ रुपीस ही है ओके ये निसार बज़मी तो व्यूअर्स ये थी आज के एपिसोड आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़